नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सोपवा, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स, बैफ्म, सेमिस्टर आई, BHMCT 101, हिंदुस्तानी संगीत और इसके मूल सिद्धांतों का परिचय, खंड हिंदुस्तानी संगीत के मूलभूत तत्व, इकाई पारिभाषिक शब्दावली 1.0 भूमिका। प्रिय शिक्षार्थियों, किसी भी नए विषय को सीखने के लिए हमें उस विषय में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दावलियों को जानना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तानी संगीत सीखने, अध्ययन करने और समझने के लिए हमें उन मूल शब्दों को जानना चाहिए जो आमतौर पर हिंदुस्तानी संगीत के प्रयोग में आते हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संगीत का अध्ययन संस्कृत में लिखे गए प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथों पर बहुत अधिक निर्भर है। चूंकि संस्कृत हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल भी उपयोग में नहीं रहा, इसलिए संगीत के क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली अक्सर संगीत के विद्यार्थियों के द्वारा समझ में नहीं आती है। इस यूनिट में आप हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घटकों और तकनीकी शब्दों के बारे में जानेंगे। इससे आपको हिंदुस्तानी संगीत की पारिभाषिक शब्दों को समझने में मदद मिलेगी। एक पाठ का उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद शिक्षार्थी हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा जान पाएंगे। भारतीय संगीत में नाद की अवधारणा की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। नाद की विशेषताओं को समझा पाएगा। संगीत के पारिभाषिक शब्दों को विस्तृत रूप से समझा पाएंगे। संगीत के पारिभाषिक शब्दों को प्रयोजन अनुसार स्वयं प्रयोग कर पाएंगे। 1.2 नाद। प्रिय शिक्षार्थियों, हमारे अध्ययन का क्षेत्र है संगीत। अब यदि हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि संगीत क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, क्या यह पढ़ने, खाने या सुनने की चीज है, तो इसका जवाब होगा सुनने की चीज है। इससे अब एक बात तो स्पष्ट है कि संगीत का संबंध सुनने से है। इस तथ्य से अब हम एक और तथ्य प्राप्त कर सकते हैं, वह यह है कि संगीत का मुख्य घटक ध्वनि है। यहां फिर एक सवाल उठता है कि क्या हर ध्वनि संगीतमय है? क्या हर आवाज संगीत पैदा कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए हम अपने चारों ओर देखें। हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास लगातार कई तरह की आवाजें पैदा हो रही हैं। पक्षियों का चहकना, टेलीफोन की घंटी बजना, वाहनों का चलना, लोगों का चिल्लाना, अलग अलग मशीनों की आवाज जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सी इत्यादि। क्या आप ऐसी आवाजें देर तक सुनना चाहेंगे? क्या ये आवाजें आपके दिमाग को शांत करती हैं या आपके कानों को सुख देती हैं? निश्चित ही दोनों प्रश्नों के उत्तर होंगे नहीं। अब आप रेडियो चलाइए और किसी भी चैनल पर कोई भी गाना सुनिए। अब आप पाएंगे कि आपको रेडियो सुनना बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आप पाते हैं कि यह आपके कानों को भा रहा है, जबकि जिन ध्वनियों का मैंने पहले उल्लेख किया है वे मन को प्रसन्न नहीं करती हैं, वे केवल साधारण ध्वनियां हैं। इस प्रकार यहां हम एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर पहुंचते हैं कि वह ध्वनि जो कानों को भाती है उसे संगीतमय ध्वनि कहा जाता है। जो कानों को भाती है उसमें संगीत बनाने के गुण निहित होते हैं। संगीतमय ध्वनि के लिए संस्कृत भाषा में शब्द नाद का प्रयोग किया गया है, जिसे इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, वह ध्वनि जो संगीत के लिए उपयोगी है उसे नाद कहा जाता है। तो अब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संगीत कुछ विशेष ध्वनियों की एक ऐसी श्रृंखला है जो हमारे कानों को सुख देता है और मन को प्रसन्न करता है। जब भारतीय संगीत हमेशा से दर्शन से प्रभावित रहा है, तो दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत हमारे प्राचीन संगीत ग्रंथों के अनुसार नाद मानव शरीर में इस तरह से निर्मित होता है, हमारी आत्मा कुछ कहना चाहती है, मस्तिष्क उसे समझते हुए अग्नि अर्थात शक्ति पैदा करती है, उसके बाद अग्नि प्राण वायु से टकराती है
और ध्वनि पैदा होती है जो ब्रह्म ग्रंथि से प्राण वायु के साथ नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और अंत में मुख से ध्वनि रूप में प्रकट होता है। नाद इस प्रकार प्राणवायु, वायु और शक्ति अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है। नाद शब्द में ना प्राण वायु का प्रतीक है और अग्नि का प्रतीक है। 1-3 नाद के प्रकार। आहत नाद। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नाद के दो प्रकारों का उल्लेख किया गया है और अनाहत नाद। इन्हें एक छोटे से प्रयोग की मदद से समझा जा सकता है। मैं आप सभी अनुरोध करता हूँ कि जिस भी तरह से संभव हो आप ध्वनि उत्पन्न करें। अब ध्वनि का उत्पादन करने के लिए आपने क्या किया है इसका विश्लेषण करें। आपने अपने दोनों हाथों से ताली बजाया होगा, आप चिल्लाए होंगे या मेज आदि को बजाकर ध्वनि पैदा की होगी। मूल रूप से आपने किसी वस्तु को दूसरे के साथ आघात किया है। आप में से कुछ कह सकते हैं कि चिल्लाते समय आपने किसी वस्तु को नहीं मारा था, आपके मुंह से आवाज स्वतः ही निकली थी। लेकिन यह वैसा नहीं है। यहां तक कि अपने मुंह से आवाज करते समय आपने अपने स्वर नलिका को हवा से आघात किया है और इस प्रकार ध्वनि आपके गले के अंदर उत्पन्न हुई है और आपके मुंह से निकली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ध्वनि का उत्पादन केवल तभी किया जा सकता है जब दो वस्तुएं टकराती हैं और इसे आहत नाद कहा जाता है, जिसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को मारकर ध्वनि उत्पन्न करना। इसके अलावा कुछ अन्य ध्वनियां भी हैं जो किसी भी वस्तु के टकराने से उत्पन्न नहीं होती हैं। इसे संस्कृत ग्रंथों में अनाहत नाद कहा गया है। मोटे तौर पर अनाहत नाद की अवधारणा दार्शनिक है और यह माना जाता है कि इसे केवल ऋषि मुनि ही इसे सुन सकते हैं। इसे पश्चिम में प्रिमोर्डियल साउंड और भारत में प्रणव नाद भी कहा जाता है, जो भारतीय ग्रंथों में ओंकार कहा गया है। अनाहत नाद संगीत का आवश्यक घटक नहीं है। 1-4 नाद की विशेषताएं। ध्वनि की बेहतर समझ के लिए आपको ध्वनि की विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए। इसे समझने के लिए हम फिर से एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक कुत्ते और बिल्ली की दो अलग अलग आवाजों को सुनकर देखिए। आप पाएंगे कि बिल्ली की आवाज ऊंची और तीखी है, जबकि कुत्ते की आवाज मोटी और नीची है। आप आमतौर पर उन्हें उच्च स्वर और नीचा स्वर के रूप में वर्णित कर सकते हैं। इसे अंग्रेजी में पिच कहा जाता है और हिंदी में ध्वनि या नाद के इस विशेषता को नाद का ऊंचा नीचापन कहा जाता है। ध्वनि की दूसरी विशेषता तीव्रता है। आप जानते हैं कि जब हम किसी को दूर बुलाते हैं तो हम उन्हें जोर से पुकारते हैं, उसमें अधिक ऊर्जा डालते हैं, व्यक्ति तक पहुंचती है। जब हम अपने बगल के व्यक्ति से बात करते हैं तो हम उनसे सामान्य आवाज में बात करते हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी विशेषता को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ध्वनि तीव्र या कम हो सकती है, जो कि ध्वनि के उत्पादन में लगाई गई ऊर्जा की मात्रा के आधार पर निर्भर करता है। नाद की इस विशेषता को अंग्रेजी में इंटेंसिटी और हिंदी में नाद का छोटा बड़ापन या तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि की तीसरी विशेषता है ध्वनि द्वारा उसके उत्पादन स्रोत को पहचान पाना। यह आप अपने व्यावहारिक जीवन के अनुभव से बेहतर समझ सकते हैं। किसी ड्रम, गिटार, मानव आवाज अथवा हारमोनियम की ध्वनियों को आप बिना देखे सुने, आप पाएंगे कि आप उन्हें देखे बिना भी समझ सकते हैं कि किस उपकरण से कैसी ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। दूसरे शब्दों में विभिन्न उपकरणों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर बताया जा सकता है और ध्वनि के स्रोत को पहचाना जा सकता है। ध्वनि की इस विशेषता को अंग्रेजी में टिम्बर और हिंदी में नाद की जाति कहा जाता है। 1.5 याद रखने योग्य बातें। 1 संगीत का मुख्य घटक ध्वनि है, हालांकि केवल वे ध्वनियां जो कानों को भाती हैं उनमें ही संगीत बनाने के गुण निहित हैं। 2 संगीत की उपयोगी ध्वनि को भारतीय संगीत में नाद कहा जाता है। 3 नाद दो प्रकार के होते हैं,
आहत नाद और अनाहत नाद। 4. आहत नाद दो वस्तुओं को एक दूसरे से आघात कर उत्पन्न होने वाली ध्वनि है और केवल इस प्रकार की ध्वनि ही संगीत बनाने के लिए उपयोगी है। 5. अनाहत नाद वह ध्वनि है जो किसी वस्तु पर आघात किए बिना उत्पन्न होती है। साधारण रूप से यह सुनाई नहीं देता। अनाहत नाद संगीत के लिए उपयोगी नहीं है। 6. नाद की 3 विशेषताएं हैं, ऊंचा, नीचापन, तीव्रता और जाति। 1. 6. श्रुति। श्रुयते इति श्रुति, अर्थात जो कुछ सुनाई देता है वही श्रुति है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि दो स्वरों के बीच में असंख्य ध्वनियां होती हैं, उन ध्वनि अंतरालों को जिन्हें कानों द्वारा सुना और पहचाना जा सकता है, श्रुति कहलाते हैं। ऋषि मतंग, 20वीं शताब्दी, ने इसे बेहतर तरीके से समझाया कि ग्रहणेन्द्रिय ग्राह्यत्वाद् ध्वनिरेव श्रुतिर्भवेद, अर्थात मानव कानों से ग्रहण की जाने वाली ध्वनि के न्यूनतम अंतराल को श्रुति की संज्ञा दी गई है। बाद में उन्होंने वीणा की मदद से फिर से समझाया कि तादात्म्यं च विवर्तित्वं कार्यत्वं परिणामिता अभिव्यंजकता चापि श्रुतिना परिकथेते, जिसका अर्थ है कि हम वीणा के तार को एक स्वर से आगे उस बिंदु तक चढ़ाएं जहां ध्वनि की सूक्ष्म उच्चता को कान से पहचाना जा सके और फिर उस स्थान से वापस ठीक उसी स्वर पर तार को ढीला करते हुए लेकर आए। दो स्वरों के बीच उच्चता का ये जो अंतराल देखा गया उसी को श्रुति कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संगीत ने ही सबसे पहले संगीत की सूक्ष्म ध्वनि यानी श्रुति को पहचाना था। श्रुति सूक्ष्मतम स्वरांतराल को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह सबसे छोटा स्वरांतर है जिसे मानव कान से सुनकर पहचान सकें। श्रुति से स्वर और स्वर से राग के गठन का मार्ग बनता है। श्रुतियां 22 होती हैं। 22 श्रुतियों में से किसी राग में कुछ ही श्रुतियां स्वर के रूप में प्रकट होती हैं, शेष श्रुतियां केवल श्रुति के रूप में रह जाती हैं। 1.7 स्वर। स्वतु रंजयति इति स्वरा, जिसका अर्थ है स्वर वह ध्वनि है जो अपने आप में भाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं। 7 स्वरों के नाम इस प्रकार हैं: षड्जसा, ऋषभ, रे, गंधार्ग, मध्यमाम, पंचम पदैवत, निषाद, नी। 1.8 शुद्ध और विकृत स्वर। स्वर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत। 7 शुद्ध स्वरों में से केवल 5 स्वरों के ही विकृत रूप हैं और शेष 2 स्वर षड्ज और पंचम का कोई भी विकृत रूप नहीं है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम स्वरों को वीणा पर स्थापित करके स्वरों का स्थान वीणा पर निश्चित किया था। चूंकि षड्ज और पंचम स्वर के कोई विकृत रूप नहीं थे, उनका स्थान भी वीणा पर निश्चित था, जिस वजह से इन दोनों स्वरों को अचल स्वर की संज्ञा दी गई। शेष 5 स्वरों अर्थात ऋषभ, गंधार, मध्यम, दैवत और निषाद को चल स्वरों की संज्ञा दी गई, क्योंकि वीणा पर उनके स्थानों को रागों के अनुसार बदल दिया जाता था। हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम एक सितार वादक को उसके रागों के अनुसार अपने सितार के पर्दों को सितार के डाढ़ पर ऊपर या नीचे करते हुए देखते हैं। विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। 22 श्रुति के स्वरग्राम पर जब किसी शुद्ध स्वर को निर्धारित स्थान से नीचे रखा जाता है, तब उस स्वर को कोमल स्वर की संज्ञा दी जाती है। कोमल स्वर को स्वर के नीचे एक छोटी रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे नी। 4 कोमल स्वर हैं, कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, कोमल दैवत और कोमल निषाद। 22 श्रुति के पैमाने पर शुद्ध स्वर के निर्धारित स्थान के ऊपर रखे गए विकृत स्वर को तीव्र स्वर कहा जाता है। तीव्र स्वर केवल एक है, यानी तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम को मध्यम के ऊपर एक छोटी लंबी रेखा के साथ निरूपित किया जाता है, जैसे कि मैं। 1.9 स्वर स्थान। स्वरों को 22 श्रुतियों के पैमाने पर एक विशेष श्रुति पर रखा गया है। हिंदुस्तानी संगीत में एक सप्तक में 12 स्वर हैं और वे इस प्रकार हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि निम्नलिखित श्रुति स्वर तालिका आधुनिक स्वर स्थान के अनुसार है। प्राचीन समय में 22 श्रुतियों के पैमाने पर स्वरों को रखने का तरीका अलग था, जिसे आप बाद में अध्ययन करेंगे।
1.10 सप्तक। आरोही क्रम में सात शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। प्रिय शिक्षार्थियों, हालांकि यह परिभाषा भारतीय संगीत में पारंपरिक रूप से सदियों से चली आ रही है, लेकिन यहां उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सात स्वरों में से पांच स्वरों के विकृत रूप भी हैं। इसलिए सप्तक शब्द की उपरोक्त परिभाषा से किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या ये विकृत स्वर सप्तक का हिस्सा नहीं है? क्या सप्तक में केवल सात शुद्ध स्वर ही शामिल हैं? जवाब है ना। सप्तक जो वास्तव में सात स्वरों से बना है, उसमें पांच विकृत रूपों के साथ सात शुद्ध स्वर शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, सप्तक में 22 श्रुतियों के पैमाने पर रखे गए 12 स्वर शामिल हैं। 1.11 सप्तक के तीन स्थान। सप्तक के तीन स्थान हैं। ये हैं मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जब हम संगीत को लिखते हैं, तो हमें गायकों या वादकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्वर पर निर्दिष्ट संकेतों का उपयोग करना पड़ता है, ताकि वे वांछित स्वर गा सकें या बजा सकें। मध्य सप्तक को छोड़कर दो अन्य सप्तकों को विशेष रूप से निर्दिष्ट संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए जानते हैं सप्तक के तीन स्थानों के बारे में। मध्य सप्तक यह वह स्थान है जो संगीत में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह सामान्य स्वर है जिसमें हम गले पर ज्यादा जोर डाले बिना बोलते या गाते हैं। मध्य सप्तक के स्वर को दर्शाने के लिए कोई निर्दिष्ट संकेत नहीं है। मंद्र सप्तक यह मध्य सप्तक की तुलना में एक स्थान नीचे है। मंद्र सप्तक को लिखित रूप में निरूपित करने के लिए एक बिंदु को स्वर के नीचे लगाया जाता है। तार सप्तक यह मध्य सप्तक की तुलना में उच्चतर होता है। यह सामान्य स्वर से ऊंचा होता है और गायक को इस स्वर में गाने के लिए अधिक ऊर्जा डालनी होती है, जिसे तार सप्तक कहा जाता है। तार सप्तक को चिह्नित करने के लिए स्वर के ऊपर एक बिंदु सा लगाया जाता है। थार स्वरों की वह क्रमबद्ध वह श्रृंखला जो रागों को जन्म देती है, उसे ठाट या थाट कहा जाता है। थाट में स्वरों की श्रृंखला केवल आरोही क्रम में रखी गई है। थाट की प्रणाली पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसके बाद की यूनिट में आप थाट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। याद रखने योग्य बातें। एक मानव कानों द्वारा पहचानी जाने वाली सूक्ष्मतम ध्वनि को श्रुति की संज्ञा दी गई है। दो सप्तक में भारतीय संगीत के अनुसार 22 श्रुतियां हैं। तीन भारतीय संगीत में सात शुद्ध स्वर हैं। चार सप्तक में सात शुद्ध स्वर और पांच विकृत स्वर हैं। पांच विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, कोमल और तीव्र ऋषभ, गांधार, दैवत और निषाद के विकृत रूप को कोमल स्वर कहा जाता है और मध्यम के विकृत रूप को तीव्र स्वर कहा जाता है। 6. सप्तक के तीन स्थान होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। 7. स्वरों की वह क्रमबद्ध वह श्रृंखला जो रागों को जन्म देती है, उसे ठाट या थाट कहा जाता है। थाट में स्वरों की श्रृंखला केवल आरोही क्रम में रखी गई है। 1.12 अलंकार। प्रिय शिक्षार्थियों, जब भी संगीत का छात्र अलंकार शब्द को सुनता है, उसके मन में स्वर अभ्यास की बात याद आती है, जिसे आमतौर पर पलटों के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उसने गायन के लिए अपनी आवाज को प्रशिक्षित करने के लिए अभ्यास किया होगा। परंतु अलंकार केवल पलटा नहीं है। अलंकार का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है घना या आभूषण, जिसे साज सज्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय संगीत में इस शब्द का उपयोग संगीत में अलंकरणों के लिए किया जाता है। संगीत की सुंदरता और साहित्यिक सामग्री की अंतर्निहित भावना को बाहर लाने के लिए अलंकारों को विचारशील और विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना होता है। भरत मुनि द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में हम पहली बार इस शब्द को देखते हैं। उन्होंने 33 प्रकार के अलंकार को प्रलेखित किया है। उनके बाद लगभग सभी अन्य प्राचीन संगीतकारों ने अलंकार के बारे में चर्चा की है। प्रत्येक संगीतज्ञ ने अपने हिस्से में अधिक अलंकार जोड़कर इसमें योगदान दिया है।
अंततः 20वीं शताब्दी के सबसे प्रतिष्ठित संगीतज्ञ निशंक शारंगदेव ने 63 और उनके बाद 20वीं शताब्दी के पन अहोबल ने अलंकार के 68 प्रकारों का वर्णन किया है। अलंकार दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और वर्ण अलंकार। वर्ण अलंकार में स्वरों को विभिन्न व्यवस्थाओं से सजाया जाता है। इस प्रकार के अलंकार राग के परिसर में रहते हुए राग की विभिन्न संभावनाओं को उभारने के लिए उपयोगी होते हैं। यह राग की संरचनात्मक सुंदरता को निखारने में भी मदद करता है। वर्तमान दिनों में वर्ण अलंकार पलटों के रूप में प्रचलित हैं। ये पलटे दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सबसे पहले ये क्रमशः गायन और वाद्य संगीत के छात्रों के लिए गायन एवं अंगुलियों के अभ्यास में उपयोगी हैं। दूसरे जब वे गायन या वादन में समझ बूझ से उपयोग किए जाते हैं, तब यह संगीत की सौंदर्य को बढ़ाता है। शब्द अलंकार ध्वनि या ध्वनि उत्पादन की तकनीकों से संबंधित हैं। इन अलंकारों का उपयोग करके श्रोता के मन में गीत के साहित्य में अंतर्निहित भावों को और राग के सौंदर्य को प्रकट किया जा सकता है। कुछ शब्द अलंकार रागों के निष्पादन में भी आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कुछ मामलों में जहां दो अलग अलग रागों में एक ही स्वरों का प्रयोग होता है, वहां दोनों रागों की अलग अलग अस्मिता, विशेषता, रंजकता और पहचान बनाए रखने में इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राग मृग और राग मधुमाद सारंग। इन दोनों रागों में समान स्वर लगते हैं, पर मींद तथा गमक के प्रयोग के कारण राग मृग मधुमाद सारंग से बिल्कुल भिन्न हो जाता। वर्तमान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन और वादन में निम्नलिखित अलंकारों प्रयोग देखे जाते हैं, मीड, सूत, घसीट, करिंतन कर्ण, खटका, आंदोलन, गमक, कंपित, गिटकरी, जमजमा और मुरकी इत्यादि। मींद एक बहुत ही सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अलंकार है और राग की सटीक भावना के निष्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मींद को राग में निपुणता से प्रयोग करने पर एक कलाकार की परिपक्वता और प्रवीणता का पता चलता है। मींद एक स्वर से दूसरे में एक धीमा प्रवाह है। दो स्वरों के बीच की दूरी राग में भिन्न होती है। राग के स्वरों के संयोजन के आधार पर मींद राग को शांतिपूर्ण, ध्यानपूर्ण, भावपूर्ण, सुखद, गंभीर या शांत बनाता है। कुछ राग तो अपनी भावनात्मक आवेदन को अंजाम देने के लिए मींद पर ही निर्भर करते हैं, जैसे मियां की मल्हार, मेघ, बिहाग, केदार आदि। मींद को सटीक रूप में गाने के लिए गायक को अपनी सांस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना होता है और राग के स्वरों के बारे में भी गहरा ज्ञान होना आवश्यक होता है। घसीट एक तकनीक है जिसका उपयोग वाद्य वादन में किया जाता है। इस तकनीक में एक हाथ से तार को छेड़ना होता है और तार की ध्वनि के बंद होने से पहले दूसरे हाथ की उंगलियों को तार के साथ फिंगरबोर्ड के ऊपर से सरकाना होता है। मींद की तुलना में घसीट का निष्पादन तेज है। सूत एक तेज गति से चलने वाली मींद है जिसका उपयोग गायन और सारंगी आदि वाद्यों में किया जाता है। कर्ण का अर्थ संस्कृत में किसी भी वस्तु का सबसे छोटा हिस्सा है। भारतीय संगीत में भी यही अर्थ लिया गया है। कर्ण स्वर एक स्वर का सबसे छोटा हिस्सा है जिसे अक्सर मुख्य स्वर के पूर्ववर्ती स्वर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बहुत ही सूक्ष्मता से गाया या बजाया जाता है। करिंतन एक प्रकार का अलंकार है जिसे विशेष रूप से तार वाले वाद्यों में प्रयोग किया जाता है। जब एक तार को एक हाथ से दबाया जाता है और दूसरे हाथ से दो या तीन स्वर त्वरित गति में बजाए जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न ध्वनि को करिंतन कहते हैं। पन रविशंकर को उनके वादन में स्पष्ट करिंतनों के लिए जाना जाता था। आंदोलन एक और बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। राग की भावनाओं और सौंदर्य की बारीकियों को सामने लाने के लिए कुछ रागों में आंदोलन का प्रयोग अपरिहार्य है। आंदोलन में एक स्वर उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती स्वरों के क्षेत्र को झूमते हुए छूता है। एक क्रिया से स्वर अपने आसपास के स्वरों में झूलता सा प्रतीत होता है।
जैसे राग दरबारी में आंदोलित, कोमल गांधार, धीमी गति की लय या विलंबित लय में राग को गाते या बजाते समय आंदोलन का प्रयोग किया जाता है। गमक, गमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का अलंकार है जो सामान्यतः राग का प्रतिपादन करते हुए विलंबित और द्रुत लय दोनों में प्रयुक्त होता है। यह विशेष रूप से तान गाने के लिए लागू किया जाता है। गमक में स्वरों को तेज आंदोलित करते हुए ताकत से गाया जाता है। गमक को केवल एक स्वर या एकाधिक स्वरों का उपयोग करके निष्पादित किया जा सकता है। खटका, खटका एक प्रकार का अलंकार है जिसका उपयोग ज्यादातर ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी गायन के विलंबित भाग में किया जाता है। गाते समय जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर छलांग लगाते हैं तो दो स्वरों के बीच में एक या अधिक स्वर होते हैं जिन्हें हम छूते हुए निकल जाते हैं, इसे ही खटका कहा जाता है। जैसे कि राग बिहाग में मसेनी तक खटका लेते हुए दो स्वरों के बीच में पा छूते हुए जाते हैं। मुर्की, मुर्की एक बहुत ही सूक्ष्म अलंकरण है लेकिन जब इसे निपुणता के साथ लगाया जाता है तो यह संगीत में एक चित्ताकर्षक क्षण भर देता है। इस अलंकरण को राग की भाव को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है। मुर्की कभी कभी एक गंभीर राग के भाव को हल्का कर देता है। बहुत तेजी से तीन चार स्वरों के एक गुच्छे को गाना ही मुर्की कहलाता है। ख्याल गाते समय श्रृंगारिक रागों में ज्यादातर मुर्कियां लगाई जाती हैं। टप्पा एक उपशास्त्रीय शैली है जो कि पूरी तरह से मुर्कियों पर आधारित है। मुर्कियां लगातार गाई जाने वाली स्वरों की श्रृंखला पर लागू होती हैं, तो प्रदर्शन में एक बहुत ही आकर्षक क्षण पैदा होता है। स्वरों पर पूरी सटीकता के साथ मुर्कियों के निष्पादन में महारत हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। याद रखने योग्य बातें, एक संगीतमय आभूषणों को अलंकार कहा जाता है। दो भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र में पहली बार अलंकार का उल्लेख मिलता है। उन्होंने 33 प्रकार के अलंकार का उल्लेख किया है। बाद में संगीत रत्नाकर में शारंगदेव ने 63 प्रकारों का वर्णन किया है और संगीत पारिजात में पन अहोबाल ने अलंकार के 68 प्रकारों का उल्लेख किया है। तीन अलंकार के दो प्रकार हैं, वर्ण अलंकार और शब्द अलंकार। चार वर्ण अलंकार स्वरों के विशेष क्रम से संबंधित हैं। वे न केवल राग के सौंदर्य को बढ़ाते हैं बल्कि स्वर और वाद्य संगीत के छात्रों के लिए अच्छे अभ्यास के रूप में भी काम करते हैं। वर्तमान समय में इन्हें पलटा के नाम से भी जाना जाता है। पांच, वर्तमान समय में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दालंकार हैं मींद, घसीट, सूत, कर्ण, करिंतन, आंदोलन, गमक, खटका, मुर्की आदि, जो राग की भाव को उभारने में सहायता करते हैं और श्रोताओं के मन में सौंदर्य बोध को जगाते हैं। 1.13 संगीत प्रस्तुति के विभिन्न अंग। पारिभाषिक शब्दावली में हमने अब तक स्वर संबंधी और अलंकार संबंधी शब्दावलियों को जाना। अब हम एक शास्त्रीय संगीत के गायन के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली पर आते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जिस स्वरों के विशेष समूह को हम प्रस्तुत करते हैं उसे राग कहते हैं। राग भारतीय संगीत की आत्मा है। हम जो भी गाते हैं वह किसी न किसी राग पर आधारित होता है। राग एक अलग विधा है जिसे एक अलग यूनिट में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी तरह ताल भी संगीत का एक अविभाज्य हिस्सा है। ताल भी एक विशाल विषय है जिसे अलग से किसी अन्य इकाई में लिया जाएगा। आइए अब हम अन्य शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं जिन्हें गायन के प्रदर्शन के विशिष्ट भागों के रूप में उपयोग किया जाता है। 1.14 आलाप। संस्कृत में आलाप शब्द का अर्थ किसी के साथ परिचयात्मक वार्तालाप है। भारतीय संगीत के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग एक राग के आरंभिक भाग के लिए किया जाता है जिसमें राग के स्वरों का ताल या लय रहित संचालन किया जाता जिससे राग श्रोताओं के सामने प्रकट होता है।
20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग तक ध्रुपद और ख्याल गायन और वाद्य वादन में विस्तृत रूप में आलाप करने का प्रचलन था। बाद में गायन और वादन में आलाप अलग से प्रस्तुत ना करके विलंबित ख्याल और विलंबित गत में तालबद्ध आलाप या विस्तार ने अधिक लोकप्रियता हासिल की। परंतु ध्रुपद शैली में आज भी विस्तारित आलाप एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी राग की प्रस्तुति को शुरू करने से पहले रागों के स्वरों को एक संक्षिप्त रूप में धीमी गति से गायन को आलाप कहा जाता है। आलाप कभी भी किसी ताल में निबद्धन नहीं होता। केवल आकार या नोम, तोम, ताना आदि शब्दों या रचना के प्रारंभिक शब्दों का उपयोग करके आलाप गाया जा सकता है। कान बहुत तेज गति में गाई जाने वाली स्वरों की श्रृंखला को तान कहा जाता है। तान ध्रुपद शैली की प्रस्तुति में विस्तृत आलाप का अंतिम भाग बन जाता है, जिसके बाद रचनाएं गाई जाती हैं या बजाई जाती हैं। परंतु ख्याल गायन की शैली में तान विलंबित और द्रुत ख्याल के अंतिम खंड का एक अनिवार्य हिस्सा है। तान संगीत में चरमोत्कर्ष का प्रभाव लाता है। आरोह आरोह शब्द का शाब्दिक अर्थ नीचे से ऊपर जाना होता है। संगीत के संदर्भ में आरोही क्रम में स्वरों की श्रृंखला को आरोह कहा जाता है। उदाहरण सा रे गा मा पा धनी। अवरोह अवरोह शब्द का शाब्दिक अर्थ ऊपर से नीचे जाना होता है। संगीत के संदर्भ में अवरोही क्रम में स्वरों की श्रृंखला को अवरोह कहा जाता है। उदाहरण सा नी धा पा मा गारे। वादी संवादी अनुवादी और विवादी स्वर। रागों के विशिष्ट स्वर समूह में वादी संवादी अनुवादी और विवादी स्वर को विशेष भूमिकाएं दी गई है। वादी यह एक राग का प्रमुख स्वर होता है, जिसे अक्सर राग में बार बार प्रयोग किया जाता है। इसकी तुलना एक राजा से की जाती है। संवादी वह स्वर जो महत्वपूर्ण होते हुए भी राग में वादी के अनुपात में कम प्रयोग में आता है, उसे संवादी स्वर कहा जाता है। यह वादी स्वर के साथ तालमेल रखता है। राग में वादी स्वर के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण स्वर है, जिसकी तुलना मंत्री से की जाती है। विवादी शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ है विवाद। नाम से ऐसा लगता है कि इस स्वर का एक राग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन राग में एक ऐसा स्वर क्यों हो जो राग की भाव को नष्ट कर दे या राग के सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले? वास्तव में इस स्वर का एक अलग अर्थ है। विवादी स्वर की एक विशिष्ट भूमिका है, जो एक राग की सुंदरता को बढ़ाती है। विवादी स्वर को इसलिए यह नाम दिया गया है क्योंकि विवादी स्वर का राग में स्थान निर्धारित है। कलाकार की इच्छा से इस स्वर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। राग के अन्य घटक स्वरों के रूप में अक्सर इस स्वर का उपयोग करना एक राग के चरित्र को नष्ट कर देता है, परंतु जब इसे अपने निर्धारित स्थान पर लगाया जाता है तो यह राग की सुंदरता को बढ़ाता है। यह एक व्यक्ति की मुख पर एक काले के साथ तुलनीय है। चेहरे पर केवल एक तिल व्यक्ति को बढ़ाता है, लेकिन जब पूरा चेहरा काले तिल से भर जाए तो सुंदरता की हानि होती है। विवादी स्वर का एक उदाहरण है राग बिहाग में तीव्र म का प्रयोग। यदि तीव्र म का प्रयोग अपने निर्धारित जगह पर होता है तो राग का रूप नहीं बिगड़ता, पर यदि गायक अपने इच्छा से इसे जहां तहां प्रयोग करे तो यह एक अन्य राग मारु बिहाग का रूप लेने लगता है। अनुवादी एक राग में बाकी के स्वर जो वादी संवादी या विवादी नहीं होते हैं अनुवादी होते हैं। इन्हें वादी और संवादी स्वर के अनुयायी माना जाता है। याद रखने योग्य बातें। एक राग के प्रस्तुति के आरंभिक भाग में राग के स्वरों का ताल या लय रहित संचालन को आलाप है। दो बहुत तेज गति में गाई जाने वाली स्वरों की श्रृंखला को तान कहा जाता है। तीन स्वरों के आरोही क्रम की श्रृंखला को आरोह कहा जाता है। पांच स्वरों के अवरोही क्रम की श्रृंखला को अवरोह कहा जाता है। छह राग का प्रमुख स्वर वादी है।
सात, कोई भी स्वर जो वादी स्वर के साथ संवाद करता है उसे संवादी स्वर कहा जाता है। आठ, रागों में जिन स्वरों का नियंत्रित प्रयोग होता है वह विवादी स्वर है। 1.15 सारांश। प्रिय शिक्षार्थियों, इस इकाई में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों को सीखा और समझा है। आप अगली इकाइयों में उनमें से कई के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतीय संगीत के विभिन्न भागों को समझने के लिए इन शब्दावलियों की जानकारी आवश्यक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।